नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे ये सभी वर्ड आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा है, इसको कैसे पढ़ा जाए। यदि आपके पास इस प्रकार के इंग्लिश के वर्ड मिल जाता है और आपको कोई बोले कि देखते ही पढ़ देना है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे आसान तरीका आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि इस क्लास को आप लास्ट तक देखते हैं खूब ध्यान से तो बहुत बड़ी चीज आज इस क्लास में सीखने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास को यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों के आई, तो के आई से की हो जाएगा, क्या हो जाएगा की, एस ए एन यानी किसान, कौन वर्ड बन रहा है किसान। देखिए ये दोस्तों हिंग्लिश बोला जाता है, क्या हिंग्लिश यानी डायरेक्ट इंग्लिश को, सॉरी हिंदी को, डायरेक्ट हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। सबसे दिक्कत होती है दोस्तों को पढ़ने में, मिलाकर पढ़ना है, क्या लिखा किसान ए यू आर यानी और, क्या किसान और यू, तो देखिए के यू से तो क्यों हो जाएगा लेकिन ए और एन है, इसका मतलब है कि लिखा है दोस्तों कुआ, क्या लिखा है कुआ इस तरीके से, ठीक है ना, किसान और कुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है इनके एक एक किसान, ऊपर जैसे कि आप पढ़े हैं एक किसान, एन ई यानी ने, एक किसान ने ए एन ए यानी ए से अ पी ए से प एन ई से ने, अपने एच ई टी यानी के एच से ख होता है, ई लगा है तो खे हो जाएगा, और टी से तक खेत, एम ई आई एन यानी में, एक किसान ने अपने खेत में, पी ए यानी पा, एन डबल ई यानी नी पानी, एल ए यानी ल, जी ए यानी गा, एन ई यानी ने लगाने, के ई यानी के लगाने के, एल आई यानी ली, ई से ए लिए लगाने के लिए, ए से अ, ए से पा, एन ई से ने अपने, एक किसान ने अपने खेत में पानी लगाने के लिए अपने। देखिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको पढ़ने में, क्या कि डी से यहाँ पे क्या पढ़, जैसे पी ए से प, डी से ड भी होता है, डी से ड भी होता है, डी से द भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलाकर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा पड़ोसी, क्या पड़ोसी, पड़ोसी एस ई यानी से, पड़ोसी से ई यानी एक, यू ए एन यानी कुआ, पड़ोसी से एक कुआ, के एच ए ख, आर डबल ई यानी रीड, ए यानी दा खरीदा, पड़ोसी से एक कुआं खरीदा, ए यानी डी ओ यानी रो, एस डबल ई यानी सी पड़ोसी ने, पड़ोसी ने यू एस ई उसे, पड़ोसी ने उसे, के यू ए एन यानी कुआं, पड़ोसी ने उसे कुआं, बी बे सी एच छच डी आई से डी वाई एस या दिया, उसी ने उसे कुआ बेच दिया, एल ई ले के आई की एनसेना लेकिन, यू एस ई उसे लेकिन उसे, यू से उ, एस एस स, एम ई से में, और यहाँ पे यानी उसमें, एस ई से उसमें से। देखिए पड़ोसी जो है कुआं तो बेच दिया, बहुत मजेदार कहानी दोस्तों, लेकिन उसमें से ए यानी पा, एन डबल यानी नी पानी, बी एच ए यानी भ, आर ए र एन ई ने भरने, के डबल ई की भरने की, ए से अ, एन यू से नू, एम ए से म, टी आई से ती अनुमति यानी उसमें से पानी भरने की अनुमति, एन ए न एच आई ही और फिर यहाँ पे एन से बिंदी नहीं, डी डबल ई यानी दी पानी भरने की अनुमति नहीं दी, के आई से की, एस एस सा एन से न किसान, एन से आधा न, वाई ए यानी या और फिर या, न्याय के किसान जो है न्याय के, एल आई से ली, ई से ए लिए न्याय के लिए,
बादशाह के PAS पास GAYA गया। जो किसान था वो बादशाह के पास गया, वो जो पड़ोसी था कुआं तो बेच दिया लेकिन बोला कि मैं कुआं बेचा हूं इसमें का पानी नहीं बेचा हूं। ठीक है, USAKE उसके DARABABAR दरबारी ने, उसके दरबारी ने PAPO यानी रो SEE यानी सी पड़ोसी, उसके दरबारी ने पड़ोसी SE से पड़ोसी से POO यानी पू CHH यानी छ पूछ, PA यानी ता फिर CHH यानी छ पूछताछ, KEE यानी की, उसके दरबारी ने पड़ोसी से पूछताछ की JIGSSMNE ने, जिसने KAHA यानी जिसने कहा, क्या कहा, कहा KIKI यू से ऊ एस 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 एन इसने उसने के यू से कू ए एन यानी कुआ बी बे सी एस एच बेच डी आई से डी वाई एस या दिया एच ए आई यानी है एल ई से ले के आई से की एन से न लेकिन यू एस ए के ई उसके बी एच डबल यानी भी टी ए त आर से भीतर लेकिन उसके भीतर के ए का उसके भीतर का टी ए पा एन डबल नी पानी एन ए न एच आई एन ए नहीं उसके भीतर का पानी नहीं, कुआं बेचा है लेकिन उसके भीतर का पानी नहीं बेचा, पड़ोसी से जब दरबारी ने पूछा तो वो कहा। देखिए दोस्तों इंग्लिश पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है, जब सेंटेंस को आप समझने लगेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई कुछ लिख कर भेजे हैं या कहीं भी कुछ पढ़ रहे हैं तो एक सेंटेंस के रूप में लिखा होगा या अकेला वर्ड लिखा होगा, तो सेंटेंस पढ़ना बहुत आसान है। जब सेंटेंस आप समझने लगेंगे तो आगे की वर्ड आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि ये यहाँ पे यही होने वाला है, यही होगा ही, ठीक ना। तो एक एक ही जैसे मान लीजिए कि इसको आप पढ़ सकते हो पी ए प डी ओ दो एस डब्ल्यू, पड़ोसी तो होता नहीं है, पड़ोसी होगा। तो मिलाकर जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये यही लिखा है, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपको पता है डी एस से ढ भी होता है, डी एस से ध भी होता है, क्योंकि तसद दोनों का इंग्लिश दोस्तों सेम होता है, आपको ये भी पता है, ठीक ना। थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो ये लिखा पड़ोसी से के ए एच ए कहा जी ए वाई ए गया, पड़ोसी से कहा गया कि वाई ए या तो टी ओ तो या तो पी ए पा एंड वाली नी पानी का के ए का पानी का या तो पानी का के आई की आर ए रा वाई ए या किराया डी ई दे के ए आर यानी देकर वाई ए एच यह एस ए बी सब यू टू आर ए एन टी यानी तुरंत यह सब तुरंत एच ए हटी ए टा हटा दे डी ई एन है यानी बिंदी लगेगा हटा दे वाई ए एच यह एम ए एच ए एस डबल ओ एस यानी देखिए महसूस क्या लिखा है महसूस के ए आर ए टी ई एच यू हु इस ए हुए महसूस करते हुए कि यू एस ए के डबल उसकी सी एच ए एल यानी चाल उसकी चाल
KAMNNHIN नहीं SRCCIUSAN उसने उसने MAPHEE यानी माफी MANGEE यानी मांगी AURGHAR घर CHALA चला GAYA गया उसने माफी मांगी और घर चला गया। पड़ोसी ने ANE ने MEIN में LAGANE लगाने LIE अपने PAPDOSEE पड़ोसी से EKUAN यानी कुआ पड़ोसी से एक कुआ KHARREDA खरीदा पड़ोसी से एक कुआं खरीदा PAPDOSEE पड़ोसी ने USE उसे UAN कुआं BECH बेच DIY दिया LEKIN लेकिन पड़ोसी ने उसे कुआं बेच दिया लेकिन USE उसे USAMEN उसमें से PANNE पानी BHARANE भरने पानी भरने की अनुमति ANUMATI यानी अनुमति नहीं दी DEE किसान आधा में हो जाएगा एन से YAA है यानी न्याय के किसान न्याय के USA के उसकी चाल KAM काम NAHIN नहीं AAEI उसके चाल काम नहीं आई USAN उसने MAPHEE माफी MANGEE मांगी उसने माफी मांगी AUR और GHAR घर CHA चला GAY गया और घर चला गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? देखिए लिखा है SHINCASHA यानी छा शिक्षा DHOKHA यानी धोखा क्या लिखा है धोखा AKO आपको धोखा आपको KAHEN कहीं NAHIN कहीं के कहीं नहीं LEJAEGA ले जाएगा धोखा आपको कहीं नहीं ले जाएगा। इस कहानी से दोस्तों यही शिक्षा मिलती है कि यदि आपको आप धोखा करते हैं तो वो कहीं के लिए नहीं छोड़ेगा आपको कहीं नहीं ले जा सकता है। आप जहां के हैं वहीं रह जाएंगे और जो आगे बढ़ने वाला है बढ़ते चला जाएगा। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास एंड एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।